प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार यानी कि कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इंडिया की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो को हरी झंडी दिखाई और इसी के साथ ही दिल्ली मेट्रो दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो चुकी है जहां पर ड्राइवरलेस मेट्रो का संचालन होता है। तो अब इस न्यूज के बाद आप सभी के दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि क्या सभी मेट्रोज बिना ड्राइवर के चलेगी, क्या मेट्रोज में ड्राइवर नहीं होंगे, क्या ड्राइवर ना होने से मेट्रो में यात्रा सुरक्षित है, ड्राइवर का ट्रेन में कितना नियंत्रण होता है और क्या समय की बचत होगी और जल्दी मिल पाएगी मेट्रो। तो मैं इन सभी क्वेश्चंस का जवाब दूंगा इस वीडियो में, तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहें और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो शुरू करते हैं वीडियो। कल सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो को हरी झंडी दिखाई। ये मेट्रो दिल्ली के मैजेंटा लाइन पर चलेगी। ये अलग अलग कलर से लाइन होती है मेट्रो की, जैसे रेड कलर में होती है, येलो में होती है, ब्लू में होती है, उसी तरीके से मैजेंटा कलर